दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2022 में पाकिस्तान में होने वाले कुछ दिलचस्प हालात और वाकयात के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी हालात के बारे में। 2022 में पाकिस्तान के सियासी बहरान का आगाज उस वक्त हुआ जब अपोजिशन की सब पार्टीज ने हाथ मिला लिया और असेंबली में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, जिसके बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा होना शुरू हुआ। इस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में 5 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। इसके बाद मुल्क भर में जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि एक गैर मुल्की साजिश उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद मंजूर की गई हो और किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से निकाल दिया गया हो। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया गया। इसके बाद 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और इमरान खान समेत 13 अफराद जख्मी हुए। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मानसून की बारिशों से पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लाखों लोग इस सैलाबी रैले में बह गए। इसके अलावा हजारों लोग इस सैलाब में अपने घर, जानवर और फसलों से महरूम हो गए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। 2022 में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वाकया ये था कि पाकिस्तान को फटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। 4 साल की लगातार कोशिश के बाद पाकिस्तान आखिरकार FATF फटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो गया। 2022 के शुरू में ही पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया जो अभी तक काबू नहीं आ सका। आटा, दालें, सब्जियां, हर चीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम हुक्मरानों पर चीखने लगी। महंगाई का ये तूफान अभी तक जारी है। 2023 में महंगाई खत्म होगी या नहीं, या फिर चीजें मजीद महंगी हो जाएगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो 2022 एक तरह से पाकिस्तान के लिए लकी रहा, क्योंकि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फाइनल नहीं जीत सका, लेकिन एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तानी टीम का फाइनल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी, जिसका क्रेडिट बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम की मेहनत को जाता है। फाइनल से वापसी पर हारने के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। साल 2022 में बहुत से फनकारों ने शादी करके अपनी जिंदगी का आगाज किया। 2022 के पिछले हफ्ते अदाकारा हेबा बुहारी ने आरेज अहमद से शादी कर ली और उसी महीने अदाकारा सबूर अली ने अली अंसारी के साथ शादी कर ली। इसके अलावा फेमस टिकटॉकर सहर हयात ने 2022 के लास्ट में शादी कर ली। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।